आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लाइव मीटिंग में। हम चाहेंगे कि ये जो लिंक है वो कृपया करके आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी आशीष पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 15:4 में लिखा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। तो आज का मीटिंग का जो है पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की इच्छा निमित्त होने दे, ऐसा हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हम कोटि कोटि धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर और वार्षिक पूरा हफ्ता अपने हमें संभाले रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और शुरुआत से लेकर अंत तक आपका इच्छा अनुसार होने दे परमेश्वर। स्तुति आराधना में आपकी अभिषेक प्रकट होने दे परमेश्वर। और ओ धन्यवाद यीशु मसीह, जो आज बोएंगे परमेश्वर, हजार गुना कटनी काटने दे परमेश्वर। आज का वचन हमारे लिए होगा, ऐसा ऐलान करते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, सब कुछ आपके हाथों में रखते हैं। ये प्रार्थना हम जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है कि मैं उसकी भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कितने अनेक भलाई का काम करता है, आमेन। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे और उस भलाई के लिए परमेश्वर को स्तुति आराधना अर्पित करेंगे। क्या सब खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आज यीशु मसीह ने मेरे को मौका दिया आप सबके साथ स्तुति आराधना करने का। आइए हम स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा।
किया, हम विश्वास करते कि आप जहाँ भी बैठे थे आपने हमारे साथ स्तुति आराधना किया। हालेलुया, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। हालेलुया, मैं और वो जीतेगा जो उसका उसका इस्तेमाल सही रीति से करेगा। हालेलुया, अमेन। तो आइए हम ये जीव का इस्तेमाल जीवन का घोषणा, सुरक्षा का घोषणा करते हुए करेंगे और भजन संहिता की घोषणा में जाएंगे। आइए हम मेरे पीछे भजन संहिता 91 को दोहराएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में, दिखाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बैरी के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जन्म तेरे तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस महरोग से, जो अंधेरे में फैलती है ना उस महरोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है, तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर, दस हजार के दिन परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाओ में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वो मुझको पुकारे, मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए गए उदार का दर्शन दिखाऊंगा। हम सब विश्वास करते कि आपने भी भजन संहिता का घोषणा हमारे साथ किया।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो क्या आप तैयार हो परमेश्वर का आत्मिक भोजन पाने का? हालेलुया। और तो आइए हम जोरदार तालियों के साथ आगे बुलाएंगे हमारे बीच में अपोस्टल विल्सन जोसेफ और पास्टर सलीम को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? क्या आप स्तुति आराधना किया? Did you worship the living God? Confession किया? You confess God's word? Amen. Amen. अभी वचन के लिए तैयार हो रहे? I'm ready for the word of God. किसी को पूछो किधर बैठे? Say where are we seated? Healing Power International. Healing Power International Fellowship. Praise the Lord. Praise the Lord. बाइबल लेके आए, नोटबुक लेके आए। I'm taking your Bible, taking the notebooks. क्या तैयार है वचन के लिए? I'm ready for the word. आइए हम ताली बजाकर पास्टर सेलिन को हम स्वागत करते हैं। Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या आप खुश हैं? Are you happy today? क्या आपका मन आपको खा रहा है? Is your mind eating you? तो परमेश्वर आज आपको एक उत्तर देने वाला है। So today Jesus is going to give you an answer. हर सवाल के जवाब यीशु मसीह है। Jesus is the answer of every question. इन दिनों में जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है, लोग बोल रहे हैं What people are talking around that corona is going on increasing. उसके मध्य में, in the midst of that, हम विश्वासी लोगों को प्रभु खड़ा किया है. God is making us believers stand. इस संसार के जैसा बनने के लिए, not to become like the world, परंतु अलग किया है हमें. But He has separated us. और हमारा मन को शांति से भरा है. He has kept our covered our mind with peace. इसे अगर आपके मन या आपका दिमाग का खा रहे आज के वचन आपके लिए। सो इफ योर माइंड इज ईटिंग यू अप सो टुडेज वर्ड इज फॉर यू। देखो उनके लिए है ये वचन जो भूखे और प्यासे यीशु के। दिस वर्ड इज फॉर दोस हु आर हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर गॉड। इसे अपने मन को तैयार करो, हृदय को तैयार करो इस वचन को ग्रहण करने आज के दिन। सो प्लीज प्रिपेयर योर माइंड एंड हार्ट टू रिसीव टुडेज वर्ड। कुछ पाने के लिए to receive something. और मुझे मालूम है ये वचन आपको आशीषित करे। And I know that this word is surely going to bless you. आज का वचन हम पढ़ेंगे ज़कारिया 3:1-5. So today's word is from Zacharias 3:1-5. मिला? Did you get it? ज़कारिया 3:1-5. Zacharias 3:1-5. फिर उसने देन ही यशुआ महायाजक को यहोवा हालेलुया हालेलुया। आज हम यहोवा ज़कारिया की पुस्तक से हम पढ़ने वाला है। टुडे वी विल रीड फ्रॉम द बुक ऑफ ज़कारिया। ज़कारिया कौन था? वो ज़कारिया वो एक भविष्यवक्ता। ही वाज अ प्रॉफिट। ज़कारिया का हिब्राई शब्द का अर्थ है The Hebrew word for Zacharias is परमेश्वर याद करता है। God remembers। आपको मालूम है यीशु मसीह आपको याद करता है। Do you know God remembers you? हर दिन हर पल आप उनके चित में हैं। Every moment, every minute, you are in His mind। वो आपको कभी नहीं भूल सकता। He will never forget you। तो यहाँ पर हम ज़कारिया को देखते हैं। So here we look at Zacharias। ये 70 साल यहूदी लोग 70 years the Israelites वो बंधुआई में थे। They were in bondage उनके पाप के द्वारा। बिकॉज ऑफ their sin परमेश्वर उन्हें बेबीलोन के राजा के हाथों में God gave the Israelites in the hands of Babylon। 70 साल वो बंधुआई में 70 years of bondage पीड़ा में थे। In bondage और ऐसे समय से and in such a time वो लोग को प्रभु ने बाहर निकाला। God brought them out of that situation और वापस वो यरूशलेम पहुंच गए। And again they reached जेरूसलेम। और परमेश्वर ज़कारिया को बहुत सारे दर्शन देते हैं। गॉड गेव ज़कारिया लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स। ये जो वचन है वो चौथा दर्शन है ज़कारिया का। द वर्ड वी आर गोइंग टू रीड राइट नाउ इज द फोर्थ ड्रीम ऑफ ज़कारिया। और परमेश्वर ने ज़कारिया को यहोशुआ के बारे में बताया। सो गॉड टेल्स ज़कारिया अबाउट जीसस क्राइस्ट यहोशुआ। अबाउट यहोशुआ वो यहोशुआ नहीं है जो हम मूसा के दो दास थे। इट्स नॉट दैट यहोशुआ व्हाट वी रेड अबाउट मोसेस। वो यहोशुआ है जो महायाजक थे। दिस इज दैट यहोशुआ हु वाज अ हाई प्रीस्ट जो बंधुआई से सारे यहूदी लोग के साथ यरूशलेम में आता हु वाज विद दोस पीपल हु वर ब्रॉट बैक टू जेरूसलम। एंड परमेश्वर ने यहोशुआ को और ज़रुब्बाबेल
गॉड टोल्ड ज़कारिया एंड ज़रुब्बाबेल कि आप मंदिर बनाओ, टू मेक अ टेम्पल, और इसे परमेश्वर योशुआ महायाजक होने के बनाते ही वो हर वक्त परमेश्वर की सेवकाई करते थे. सो जोशुआ बीइंग द हाई प्रीस्ट ऑफ गॉड ही हैज टू कीप ऑन प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड. अभी हम वचन पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड द वर्ड. आपने इस बैकग्राउंड को जान लिया. सो यू नो नाउ व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द बैकग्राउंड. ज़कारिया, ज़कारिया, ज़कारिया 3:1-5. 3:1-5. फिर उसने यहोवा महायाजक यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया. एंड ही शैतान उसकी दाहिनी ओर विरोध करने को खड़ा था. तब यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान यह तुझको घुड़काओ, घुड़के यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेते हैं वही तुझे घुड़के. आग से निकली हुई लिट्टिया सी थी. उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था. तो दूत ने उनसे सामने खड़े थे कहा, इसके मैला वस्त्र उतारो. फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ. तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए. अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया. उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था. हम इंग्लिश में पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड इन इंग्लिश. एंड ही शोड मी जोशुआ द हाई प्रीस्ट स्टैंडिंग बिफोर द एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड सैटन स्टैंडिंग एट हिज राइट हैंड टू रेजिस्ट हिम. हालेलुया. तो ज़कारिया एक दर्शन देखते हैं. सो ज़कारिया सीज अ विजन. आमेन. तो वहां पर क्या देखते हैं कि यहोशुआ परमेश्वर परमेश्वर के सामने खड़ा है. सो जोश वी सी योर दैट जोशुआ वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड. यहोशुआ कौन था? महायाजक. हु वाज जोशुआ? द हाई प्रीस्ट. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. वो क्यों परमेश्वर के सामने खड़े थे? व्हाई वाज ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड? परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए. टू सर्व गॉड. हालेलुया. हालेलुया. और जैसा और यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कौन खड़े थे उसके साथ. एंड व्हाट डू वी सी? हु वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू जोशुआ? उनके दाहिने हाथ में वहाँ पर लिखा है शैतान वहाँ पर खड़े. एट हिज राइट हैंड द डेविल वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम. किसके लिए? फॉर व्हाट? यहोशुआ का विरोध करने. टू रेजिस्ट हिम. हालेलुया. यहाँ पर जो हिब्रान शब्द है शैतान के बारे, शैतान के मतलब द हिब्रू वर्ड फॉर डेविल सैटन, विरोध करने वाला, द रेजिस्टिंग वन, एडवर्सरी, विरोध करने वाला, विरोध करने वाला, एडवर्सरी. और यूनानी शब्द में शैतान का नाम है एंड इन द ग्रीक वर्ड द नेम ऑफ डेविल इज दोष देने वाला, द अक्यूजर. हालेलुया. हालेलुया. वो विरोध भी करते हैं आपका. सो ही रेजिस्ट और वो आपको दोष भी देता है. अक्यूजेस यू. इससे आपके मन चंचल हो गया. सो हेंस योर माइंड मन व्याकुल है. योर माइंड इज वरीड. मन आपको खा रहा है. योर माइंड इज ईटिंग. आज का वचन ध्यान पूर्वक सुनिए. प्लीज लिसन टू दिस वर्ड वेरी केयरफुली ताकि आपके मन आशीषित हो. सो योर माइंड शैल बी ब्लेस्ड. आपके जीवन आशीषित. योर लाइफ शैल बी ब्लेस्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान यहोशुआ को योग करने के वापस आए. योर वी सी डेविल ट्राइज टू रेजिस्ट यहोशुआ. हालेलुया. हालेलुया. क्यों शैतान यहोशुआ का पीछे है? यू नो व्हाई इज डेविल बिहाइंड यहोशुआ? पहले वो परमेश्वर का व्यक्ति है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ही इज द मैन ऑफ गॉड. जब आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं या वचन या प्रार्थना करते हैं, ऑल्सो वेन यू सर्व गॉड एंड प्रेज एंड वर्शिप, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? शैतान आपका विरोध जाएंगे. द डेविल विल रेजिस्ट यू. वो आपको नींद डालेंगे. तभी ही विल गिव यू He will make you sleepy. या किसी के फोन आएंगे. और somebody will call you up. या आपको निराश करेंगे. Or make you sad. ओ मत पढ़ो वचन, प्रार्थना आराधना मत कीजिए. He'll tell you not to pray, not to do anything for the Lord. तो विरोध करेंगे शैतान हर पल, because आपके चारों ओर घूम रहे. Because devil is only there to resist you all 24/7. इसे एक पत्र 5:8 में लिखा है. Hence one Peter 5:8 says that कि शैतान एक गरजते हुए सिंह की तरह है. The devil is like a roaring lion. देखते किसको फाड़ का. Seeking on who to pray next. कौन दुर्बल है? Who is weak? कौन चिंतित है? Who is worried? कौन इस संसार के बातों में ज्यादा फंसा हुआ है? Who is more trapped in the world? उनको खाने के लिए, फाड़ खाने के लिए. Eat them up.
शैतान गरजते हुए सिया की तरह देखता है. Hence the devil is like a roaring lion. तो परमेश्वर का वचन में कहता है, so God's word says that, प्रकाशित 12:10 पढ़ेंगे हम. Revelation 12:10 क्या लिखा है वहां पर? फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना. And I heard a loud voice saying in heaven, कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, now is come salvation and strength and the kingdom of our God, और राज्य, and the kingdom of our God, और उसके मसीह, and the power of his Christ, का अधिकार प्रकट हुआ है. For our accuser of our brethren is cast down, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन, which accused them before our God day and night, हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है. इस कास्ट डाउन. तो शैतान क्या करते हैं आपको? व्हाट इज द डेविल डू? रात दिन आपको दोष देता है, डे एंड नाइट विरोध करता है. ही रेजिस्ट यू, आपको कहते हैं कि आप कुछ का लायक नहीं है. ही अक्यूजेस यू सेइंग दैट यू आर गुड फॉर नथिंग. आपको दबा के रहता है. ही प्रेसेस यू डाउन. मानसिक तनाव देता है. ही गिव्स यू मेंटल. देखो संसार के लोग ऑलरेडी उसके पॉकेट में है. See, the world is already in his pocket. उसके बारे में वो कोई चिंता नहीं करते. So he doesn't care about the unbelievers. आपके बारे में, but about you, वो बहुत चिंतित है. He's very worried. इससे आपको हमला करते हैं. Hence he is trying to attack you. और कैसा हमला करेंगे? And you know how he's going to attack you? बार बार आपके मन में आके गलत विचार देते हैं. He's going to come and put in wrong thoughts in your mind. योहन्ना 10:10 में लिखा है. John 10:10 states that. कि चोर आते चोरी करने के लिए. The devil comes to steal. घात करने के लिए, नाश करने के लिए. Kill and destroy. Hallelujah. तो आपको क्या क्या चोरी करते हैं? So what all he robs? आपके जीवन को, योर लाइफ, आपकी सेहत को, योर हेल्थ, आपकी दौलत को, योर वेल्थ, पारिवारिक जीवन को, फैमिली, आपके बच्चे को, योर चिल्ड्रन. कितने लोग के अबॉर्शन हो गया, अपने छोटे बच्चों को आपने खोया है. सो मेनी पीपल हैव अबॉर्टेड योर बेबीज. मिसकैरेज हुआ है, आपका बच्चा खो गया. दे हैव गॉन थ्रू मिसकैरेज. पर डरो मत, यीशु मसीह आपके साथ है. डोंट वरी, जीसस इज विद यू. हालेलुया. वो सब कुछ आपको वापस देंगे. ही इज गोना गिव यू बैक एवरीथिंग. सो सब 24/7 शैतान का ड्यूटी क्या है? सो व्हाट्स द ड्यूटी ऑफ द डेविल 24/7? आपको तंग करने के लिए, ट्रबल, आपका दिमाग को खराब करने के लिए, टू स्पॉइल योर माइंड, और आपको व्याकुल करने के लिए, मेक यू ट्रबल्ड, ताकि आप परमेश्वर के मकसद को पूरा ना करें. सो दैट यू डोंट फुलफिल द, आप हष्ट पुष्ट ना रहे, द विजन एंड द कॉलिंग ऑफ योर लाइफ, एंड यू डोंट बी हेल्दी. हालेलुया. आपको कंगाल बनाने के लिए, ही वांट्स टू मेक यू पुअर. आपका पीछे करता है, ही चेजेस यू. पर आज का वचन आप सुनिए. बट लिसन टू टुडेस वर्ड. और परमेश्वर आपको उस शैतान के चंगुल से बाहर, एंड द डेविल इज गोइंग टू ब्रिंग यू बैक फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द डेविल. शैतान, गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग यू बैक फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द डेविल. शैतान ओवर टाइम करता है. डेविल इज डूइंग ओवर टाइम. पर हम एक बार भी प्रार्थना नहीं करते, एंड बट वी डोंट इवन प्रे वंस. इससे हम जल्दी शिकार हो जाते, हेंस वी बिकम विक्टिम. हालेलुया. कोई लोग बीमार हो जाते, सम बिकम सिक, और कोई लोग बेचैन होता है, सम बिकम ट्रबल्ड, कोई लोग सुसाइड करने को मन आता है. किल देमसेल्फ. क्यों? व्हाई? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, आराधना नहीं करते. बिकॉज वी आर नॉट प्रेइंग, रीडिंग द वर्ड. मेरे प्रियो सुनो, माय बिलव्ड लिसन टू मी. इन समय में, ये घटना में, ऐसे एक समय में, इन सच अ सिचुएशन लाइक दिस, कोरोना वायरस हो रहा है, कोरोना वायरस हैपनिंग, चाइना के युद्ध हो रहे हैं, द फाइट इज रिवॉल्व, देयर इज फाइट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया, हमारा इकोनॉमी नीचे जा रहा है, इकोनॉमी इज गोइंग डाउन. परमेश्वर चाहते हैं कि आप मजबूत होए. गॉड वांट्स टू स्टैंड स्ट्रांग. मजबूत से खड़ा रहे, टू स्टैंड स्ट्रांग. हालेलुया. एफिशिएंस 6:12 में लिखा है, एफिशिएंस 6:12 स्टेट्स दैट हमारा मल युद्ध, अ फाइट, मांस और लहू से नहीं, नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड, परंतु प्रधान तौर, बट अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज, अधिकारों, द अथॉरिटीज ऑफ द डार्कनेस, दुष्ट ये अंधकार के अकीमों के विरुद्ध, द अथॉरिटीज ऑफ दिस डार्कनेस, और दुष्ट अंधकार के सेनाओं के विरुद्ध, एंड द आर्मीज ऑफ द डेविल. हालेलुया. इसे आप कोरोना वायरस से लड़ाई नहीं कर रहे हैं. सो यू नॉट फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, शैतान से लड़ाई कर रहे हैं. यू आर फाइटिंग अगेंस्ट डेविल. तो शैतान जो आपके मन में डालते हैं वो पकड़ के मत रखो. सो व्हाट द डेविल पुट्स इन योर हेड, डोंट होल्ड ऑन टू इट. जो 6:10 में लिखा है,
Ephesians 6:10 states that कि परमेश्वर में मजबूत हो, be strong in the Lord, और उसके सामर्थ में बढ़े रहो, in His power of His might. Hallelujah. The power of याकूब 4:7 में लिखा है, James 4:7 states that शैतान का सामना resist the devil, वो भागेगा, he will flee from you. देखो शैतान प्रोग्राम किया है भागने के लिए, devil is programmed to flee away. उसको बुला मत, उसको भगाओ. Do not invite him, make him run away. देखो आपके विचार, your thoughts, आपके विचारधारा, your the thinking, और आपके शब्द, your words, वो शायद शैतान को निमंत्रण दे सकता है. It can either invite the devil, या शैतान को भगा सकता है, or can make the devil flee. तो आज आपके शब्द और आपके विचार कैसा है? So today, how are your thoughts? आप जानते हैं, how is your thinking? पूरा दिन आप रिकॉर्ड कीजिए आपके आवाज, record your voice, आपके मुंह वही बोलेगा जो आपके मन में है. So your because your mouth is going to speak what is in your head. इसलिए क्या करना है हमें? So what should we do? विश्वास में खड़ा रहना है. Stand strong in faith. निर्णय लो. Make a decision. कि आज मैं चुनाव करता हूँ. That today I decide, मैं चंगी रहेगी. I will be healed. मैं उन्नति पाएंगे. I will have prosperity. मैं आशीष पाऊंगा. I'll be blessed. मैं मेरा घराना प्रभु का सेवा करेंगे. Me and my household shall serve the Lord. प्लीज सुनिए जो वचन में आपको so please listen to the word and सुन के छोड़ो मत, बस don't कर, don't just listen and throw it away. जरूर आपको आशीष, listen and walk accordingly. जरूर आशीष पाएंगे. Definitely will be blessed. जरूर आपका नौकरी आ रहा है. Definitely your work is coming. आपका चंगाई आ रहा है. Your blessings are coming. आपका चमत्कार आ रहा है. Your healing is coming. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आपका निर्णय है. It's your decision to take. आप जीतू, do you want to win, हार मानू, or you want to give up in front of the devil? शैतान को भगा रहे, are you making the devil, शैतान आपको भगा रहा है, or the devil is making you, शैतान आपको नींद हरा दिया है, the devil is taken away your sleep. Hallelujah. तो निर्णय आपका है. The decision is yours. Praise the Lord. तो निर्गमन में हम देखते हैं, Exodus we see that, देखो शैतान जब भी दोष देता है, whenever devil accuses you, दोष देता है, he accuses you, आपसे कुछ चोरी करने की, steal something from, एक और बार मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए, लिसन केयरफुली, आई विल रिपीट अगेन, जब भी शैतान आपको दोष देता है, whenever the devil accuses you, आपको झूठ बोलता है, puts in lies in your head, इसलिए करता है, it does it so, आपसे कुछ चोरी करने की, steal something, क्योंकि वो तो चोर है, because he is a thief. प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ डिपॉजिट किया है, गॉड हैज डिपॉजिटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यू. हाँ, चंगाई, आशीष, बरकत, सब कुछ आपके अंदर है, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज इन यू, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बिकॉज द होली स्पिरिट इज इन यू, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग. जब तक आप ये सब बट अनटिल इसे जागृत नहीं करते हैं, यू डोंट अवेकन इट, वचन नहीं पढ़ते हैं, यू डोंट रीड द वर्ड, शैतान की आवाज को सुनकर यू लिसन, आप परेशान होगा, यू विल बी वरीड, आपके मन आपको तंग करेंगे, योर माइंड विल ट्रबल यू. इसे सुनिए, सो प्लीज लिसन. मूसा को क्या किया उसने? व्हाट डिड ही डू टू मोसेस? मूसा एक बड़ा लीडर होना था, मोसेस वाज सपोज्ड टू बी अ ग्रेट लीडर, पर उसने क्या किया शैतान ने? बट व्हाट डिड द डेविल डू? उसको उसने एक व्यक्ति को मार डाला, मोसेस किल्ड अ मैन. हालेलुया. और शैतान बार बार उसको उससे बोलने लगा, वेंट ऑन अक्यूजिंग हिम, लोगों के द्वारा उसको बोलने लगा, उसे दोष देने लगा, मेड पीपल टेल हिम दिस, तो खूनी है, दैट यू आर अ मर्डरर, तो खूनी है, यू आर अ मर्डरर. क्यों उसने कहा वहाँ? व्हाई डिड डेविल डू लाइक दैट? उसका सेविकाएं को चोरी करने के, टू स्टील द मिनिस्ट्री फ्रॉम मोसेस हैंड. हालेलुया. मूसा क्या किया? व्हाट डिड मोसेस डू? उसके सेविकाएं छोड़कर ही लेफ्ट हिज मिनिस्ट्री और भाग गया, एंड रन, और छिप गया, एंड हिड. मिडनाइट के वहां पर गए, ही हिड इन द मिडनाइट्स. वो उधर शादी किया, ही मैरिड, 40 साल, 40 एक चरवा जैसा, ही लिव्ड द लाइफ ऑफ, भेड़ों को चराने लगा, टू केयर ऑफ द फ्लॉक. मैं बताओ, बट लेट मी टेल यू, अगर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, इफ गॉड इज स्पीकिंग टू यू, क्योंकि उसको सब कुछ आपको देना है, वापस करना है, ही वांट्स टू गिव यू बैक एवरीथिंग इन बैक. हालेलुया. हालेलुया. शैतान जब बात करता है, व्हेन द डेविल स्पीक्स, वो इसलिए है, इट्स सो आपसे कुछ चोरी करने की, टू स्टील समथिंग फ्रॉम. सुनिए मेरे बात, शैतान जब बात करता है, सो व्हेन द डेविल स्पीक, झूठ बोलता है, पुट्स इन लाइज इन योर हेड, आपसे चोरी करने के लिए, टू स्टील समथिंग, आपकी सेहत को चोरी करने के लिए, टू स्टील योर, आपके भलाई को चोरी करने के लिए, स्टील योर गुडनेस, आपके आदर को चोरी करने के लिए, स्टील योर रिस्पेक्ट, आपके पवित्रता को चोरी करने के लिए, स्टील योर होलीनेस, आपके दौलत को चोरी करने के लिए, स्टील योर वेल्थ, आपके काम काज को, स्टील योर जॉब. यीशु जब आते हैं आपसे बात करने के लिए, गॉड कम्स इन योर लाइफ,
वो आपको कुछ देने के लिए, he wants to give you something. और आपको सब कुछ वापस करने के, wants to give back everything in return. वापस करने, restore everything. आपके पारिवारिक जीवन, आपके धन दौलत, family life, your health, your wealth, आपके नौकरी, your job, your business, everything he wants to give you back. Hallelujah. Hallelujah. हम आगे हम देखते हैं कि नवा करार में पत्रोस के बारे में, इन द न्यू टेस्टामेंट सी अबाउट पीटर. पत्रोस एक बड़ा लीडर होने वाला था. पीटर वाज सपोज्ड टू बी अ बिग लीडर. हालेलुया. पर शैतान ने क्या किया? बट व्हाट डिड द डेविल डू? उसको फंसा दिया. ही मेड ही गेहूं के तरह उसको उसे फंसा दिया. लाइक वीट ही ट्रैप्ड पीटर. और उसे क्या किया? उसको यीशु मसीह को इनकार करने के उसे विवश किया. ही फोर्स्ड पीटर टू डिनाई जीसस थ्री टाइम्स. और क्या हुआ? वांटेड टू उसे दोषित अक्यूज्ड हिम विद अक्यूजेशन. तो धोखे देने वाला है तू, क्या वेंट ऑन टेलिंग हिम दैट यू आर अ चीटर. व्हाट विल यू सर्व गॉड? और उसने क्या किया पत्रोस? एंड व्हाट डिड पीटर डू? वापस अपने मछुआरे के धंधा में वापस चला गया. He went back to his business. और मछली पकड़ने लगा. Started catching fishes. हालांकि जब क्योंकि शैतान जब बात करता है, when the devil speaks to you, उसके सेवकाई को चोरी करना चाहता है. He wants to steal your ministry. पत्रोस के वो सोचा अभी पत्रोस का सेवकाई चोरी किया. The devil thought of stealing. वापस पत्रोस अभी दुनिया में चला गया, संसार में चला गया. Peter went back to his the world. परंतु यीशु मसीह से छोड़ा नहीं. But God यीशु मसीह से बातचीत किया. God spoke to me. पत्रोस, हे पीटर, मेरे बेटे को, बेड़े को खिला. Feed my flocks. हालेलुया. हालेलुया. और उसको वापस लेके आया. And he brought Peter back. और पत्रोस जब वापस आया, when Peter came back, जैसे मैंने बोला, जब यीशु मसीह आया, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है. When Jesus speaks to us, वो सब कुछ आपको वापस, he wants to restore everything back. तो जैसा सेवकाई वापस दिया परमेश्वर ने उसे, लाइक गॉड गेव पीटर बैक हिज मिनिस्ट्री. पत्रोस एक दिन में, पीटर इन वन डे 3,000 लोगों को बचाया. सेव 3,000 पीपल. उसके बाद 5,000. आफ्टर दैट 5,000 पीपल. उसके बाद अनगिनत लोग. आफ्टर दैट मेनी पीपल. प्यारो, परमेश्वर आपको सब कुछ वापस देने वाला है. माय बिलोव्ड, गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर एवरीथिंग. आपके मन एक युद्ध भूमि है. योर माइंड इज द बैटल फील्ड. दो व्यक्ति वो चाहता है. टू पीपल वॉन्ट्स योर माइंड. एक तरफ परमेश्वर चाहता है. वन गॉड वॉन्ट्स आपके भलाई के लिए. फॉर योर गुडनेस. और शैतान भी आपके मन को चाहता है. सेकंड डेविल आपकी बुराई के लिए. टू फॉर योर टू हार्म यू. पांच चीज है. देयर आर फाइव थिंग्स जो पर शैतान आपके जीवन से चाहता है. दैट द डेविल वॉन्ट्स फ्रॉम आर लाइफ. पहला, फर्स्ट, वो चाहते कि आप परमेश्वर को संदेह करें. He wants you to doubt God. Hallelujah. हवा से वो शुरू किया संदेह सिखाने के लिए, कैसा संदेह करना है परमेश्वर. He started from Eve, how to doubt God. देखो परमेश्वर के बारे में हर वक्त वो झूठ बोलता है. He lies a lot about God. जब वो आपसे बात करते परमेश्वर के बारे में वो झूठ बोलता है. When he talks to you about God, he lies. वो बोलते परमेश्वर आपको चंगा नहीं करते. He says that God cannot heal you. कोरोना वायरस आपको छू लेगा. कोरोना वायरस विल अफेक्ट यू. आप मर जाएंगे. यू डाई. आपका नौकरी चला गया. जॉब विल गो. अभी कोई नौकरी नहीं मिलने वाला आपको. यू गोना गेट नो जॉब. कंगाल रहेंगे. यू गोना बी पुअर. हां, तेरा घर निकल जाएगा तेरे हाथ से. हाउस विल गो. किराया कैसा देगा? हाउ विल यू पे योर रेंट? कैसा बच्चा को संभालेंगे? हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन? हालेलुया. तो आपके अंदर संदेह डालते हैं. पहला बात, ही पुट्स डाउट इन योर हेड. हालेलुया. कोविड के बाद में कितने लोग को सता रहे शैतान. सो मेनी पीपल ही स्ट्रगलिंग बिकॉज़ संसार वालों की बात नहीं कह रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड. पर विश्वासी लोग को वो तंग कर रहे हैं. ही स्ट्रगलिंग द बिलीवर्स. ये बताकर कि इधर मौत हो गया, उधर मौत हो गई, इतना कोरोना वायरस हो गया. बट टेलिंग द बिलीवर्स दैट योर दिस वन डाइड, दैट वन डाइड. सो मेनी पीपल आर डाइंग. डर जाते हैं. यू वरी. और परमेश्वर को संदेह करता है. डाउट गॉड. हालेलुया. योना 20:27 में लिखा है. जॉन 20:27 यीशु मसीह तोमा को कहते हैं. जॉन 20:27 स्टेट्स दैट यीशु मसीह तोमा से कहता है. गॉड सेज टू थॉमस. जब वो यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर उनके बीच में आता है. व्हेन जीसस रिजरेक्टेड एंड ब्रॉट बैक. जब तोमा उसको संदेह किया. व्हेन थॉमस डाउटेड गॉड. क्योंकि वो नहीं थे जब यीशु मसीह पहले बार प्रकट हुआ उनके बीच में. बिकॉज थॉमस वॉज नॉट देयर व्हेन फर्स्ट टाइम जीसस वॉज एट देयर मिडस्ट. यीशु ने तोमा से कहा. जीसस टोल्ड थॉमस विश्वास कर. बिलीव. संदेह मत कर. डोंट डाउट. संदेह मत कर, विश्वास कर. डोंट डाउट. हालेलुया. मसीह में जीवन, इन लाइफ इन जीसस, विश्वास का जीवन है. इज अ लाइफ ऑफ फेथ. हालेलुया. तो हमें विश्वास में करा रहना है, संदेह नहीं करना है. वी नीड टू स्टैंड इन फेथ एंड नॉट डाउट.
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन याकूब में लिखा है, जेम्स इट स्टेट्स दैट जो संदेह करता है, दोस हु डाउट वो लहरे के समान, लाइक द वेव नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, एट टाइम्स अप समटाइम्स डाउन। प्रेज द लॉर्ड, मैं चंगी हूँ, मेरे बीमारी नहीं होगा, समटाइम्स सेइंग दैट आई एम हील्ड आई वोंट बी सिक, बट कभी कभी प्रभु शैतान की आवाज सुन के बोलते, न्यूज सुनकर, लोगों की बातें सुनकर, क्या बट एट टाइम्स लिसनिंग टू द वर्ल्ड न्यूज चैनल वी से दैट मेरे को लगता है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया। आई फील दैट आई हैव कोरोना वायरस। मेरे को लगता है कि शैतान मुझे हमला कर रहा है। आई फील द डेविल इज अटैकिंग मी। दो दिन पहले, टू डेज बैक, एक बेटी मुझे कॉल की, अ डॉटर कॉल्ड मी और बोला सिस्टर मुझे बहुत अस्वस्थ लग रहा है, सेइंग दैट सिस्टर आई एम फीलिंग वेरी अनइजी। क्या हुआ कि दो तीन लोगों को मैंने प्रार्थना किया, सिस्टर आई प्रेड फॉर टू थ्री पीपल और वो छुटकारा पाया दुष्ट आत्मा से, दे हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम द इविल स्पिरिट। ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्मा कर रहा है। नाउ आई फील द इविल स्पिरिट इज कम अपॉन मी। मैं ये नहीं करना था, आई शुडंट हैव प्रेड। मैंने बोला आप क्यों संदेह कर रहा है, आई सेड दैट व्हाई आर यू डाउटिंग। बहुत सारे कलीसिया में सिखाते कि प्रार्थना मत करो, दुष्ट आत्मा को मत भगाओ। मेनी चर्चेस इट्स टोल्ड दैट डोंट प्रे, डोंट बाइंड द डेविल ऑफ आउट। मत्ती 10:8 में क्या लिखा है, Matthew 10:8 states that रोगी को चंगा कर, go heal the sick, कोरी को शुद्ध कर, go heal the leper, दुष्ट आत्मा को भगाओ, flee the devil away, और मुर्दे को झिलाओ, raise up the dead, और प्रचार करो, go preach। ये हमारा प्रभु का आज्ञा हमारे लिए। Those are the commandments परमेश्वर हमें आज्ञा यू ही नहीं देगा, God isn't just give us a commandment, और अधिकार हमें ऐसे ही देगा नहीं, God will not just give us the जब तक authority, वो उसे जान के देखा नहीं। Till he doesn't understand any of us. इसे प्रभु का वचन लूका 10:19 में क्या लिखा है, What is written in Luke 10:19? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, that God has given us the authority, सांप और बिच्छू को रोदने की, टू क्रश द डेविल, शैतान के सारी शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया है, given us authority over every power, कोई भी चीज हमें हानि नहीं कर सकती, nothing shall affect, कोई भी चीज आपको हानि नहीं कर सकती, nothing shall affect। जैसे वचन में बेटी को बोलने लगा, As soon as I started telling these verses on for to her, she started feeling courageous. Sister, mama, मैं पूरा ठीक लग रहा मुझे. She started telling that, mommy, I'm feeling very good. Hallelujah. इसे संदेह मत करो, हेंस डोंट डाउट, विश्वास करो, हैव फेथ। मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, विश्वास का जीवन, इज अ लाइफ ऑफ फेथ। हालेलुया। दूसरा, शैतान हमारे द्वारा चाहते कि हम डर जाए, द डेविल वॉन्ट्स यू टू लिव इन फियर। उस सोचते कि हर एक विश्वासी डर जाए, that every believer should fear, क्योंकि वो खुद डरा है विश्वासियों से, because he is himself afraid of the believers, वो शैतान विश्वासी को डरा देते, hence the devil goes and troubles the believers, वो जानते कि ये लोग को अपना अधिकार जानेंगे तो, because he knows that when the believers will know their authority, तो वो लोग शूरवीर होगा, they'll become great warriors, they'll make me run away, इससे शैतान आपको डरा देता, hence devil puts fear, पहले वो संदेह करवाते आपको, first doubt God, आपको डरा देते, सेकेंड ही मेक्स यू टू लिव इन फियर। हालेलुया। फियर का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फियर, इंग्लिश में एक परिभाषा है, देयर इज अ डेफिनेशन इन इंग्लिश, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, झूठे गवाही ऐसा शैतान आपको दिखाता है, द फॉल्स एविडेंस ही शोज यू इन सच अ वे, जैसा सब कुछ हकीकत है, एज इफ इट्स अ रियल थिंग। हालेलुया। वो आपको ऐसा ऐसा दिखाता है, he shows you in such a आपके way, मन में आके दिखाते, कोई इधर व्यक्ति मर गया, उधर व्यक्ति मर गया, comes and shows you in your mind that see your people are dying, डरा देता है, and makes you live in fear, और आपको बोलते हैं आपको भी अभी कोरोना वायरस हो गया, starts telling you, चलो भागो हॉस्पिटल भागो, he starts telling you in your head that you also got it, go run in the hospital, go take your test, देखो आप श्वास नहीं ले सकता, see you're not able to breathe, जाओ जल्दी जाओ, go fast, अपने आप को एडमिट करो, go admit yourself, हालेलुया। 34:4 में लिखा है, Psalms 34:4 says that, मैंने परमेश्वर को दुआई दी, I sought the Lord, और परमेश्वर मुझे सुना, and he heard and delivered me, और मुझे निर्भय किया, and delivered me, जब आप डर के दुष्ट आत्मा आपको सताते हैं, when the fear, the evil spirit of fear, आपके मन आपको खाते हैं, and eats your mind, आप परमेश्वर को दुआई दो, start calling out to God, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे निर्भय बनाऊंगा, and God tells that I will deliver us, hallelujah, hallelujah। 2 हफ्ते पहले, 2 weeks back, एक बेटी मुझे बुलाया, वन डॉटर ऑफ माइन कॉल्ड मी थाने से, फ्रॉम थाने, बोला 5 दिन में श्वास नहीं ले सकता, सिंस 5 डेज आई एम अनेबल टू ब्रीथ,
मुझे मन में क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी। हालेलुया, एक और बात उसने मुझे कहा, वन मोर थिंग शी हैज टोल्ड मी, कोई मेरे विरुद्ध जादू टोना कर रहा है, समबडी इज डूइंग विचक्राफ्ट अगेंस्ट मी, कुछ तो करो, डू समथिंग। मेरे पड़ोसी बोल रहे इधर कार खड़ा है, आप आइए हमारे साथ हॉस्पिटल जाएंगे। माई नेबर्स आर सेइंग कार इज स्टैंडिंग नाउ, लेट्स टेक इट टू द हॉस्पिटल। मेरे बहन ने पैसा भी दिया है, माई सिस्टर इज इवन गिविंग मी मनी। तो मैंने बोला बिल्कुल मत जाओ, आई टोल्ड हर डोंट गो। पहले उसे कहा कोई भी हथियार कोई भी जादू तेरा विरुद्ध काम ही नहीं कर सकता। I told her that no witchcraft, nothing of this dark will affect you. 54:17 में लिखा है, इट्स रिटन इन Isaiah, गिनती 23:23 में लिखा है, इट्स रिटन इन नंबर्स 23:23। दूसरा बात, ये कोरोना वायरस आपके लिए नहीं है, 23:23। The second thing, कोरोना वायरस आपके लिए नहीं है, that coronavirus is not for you. ये सारा श्वास लेने जो तकलीफ है वो बंद हो जाएगा, every trouble in breathing will get over. और उसके लिए प्रार्थना किया, आई प्रेड फॉर हर, और वो चंगा महसूस, एंड शी फेल्ट गुड एंड शी फेल्ट वेल। फिर मैंने उसे वचन भी दिया, एंड आई गेव हर सम वर्ड, ताकि वो संदेह ना करे ना डरे, सो दैट शी डजंट फियर, शी डजंट डाउट। जैसा वचन बोलने लगा, एंड एज़ सून एज़ शी स्टार्टेड टेलिंग द वर्सेस, पूरा तरह से निर्भय हो गया, एंड शी वाज सेट फ्री, पूरा चंगा हो गया, एंड शी वाज हील्ड। अब तक वो चंगी है, टिल नाउ शी इज हील्ड। सो मसीह में जीवन, सो द लाइफ इन क्राइस्ट, निर्भय जीवन इज अ लाइफ ऑफ फेथ। पहला मसीह के जीवन, फर्स्ट लाइफ ऑफ विश्वास के जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट इज अ लाइफ ऑफ फेथ, और मसीह के जीवन, सेकेंड लाइफ इन क्राइस्ट, निर्भय जीवन इज अ डिलीवर्ड लाइफ। हालेलुया, विश्वास क्या परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फादर ऑल इन टू दाई हैंड्स, इट्स फादर FAITH meaning father all in thy hands, मतलब पिता सब कुछ आपके हाथ में, इट मीन्स दैट फादर ऑल इन thy hands, आप मुझे संभाल, यू टेक मी। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान चाहते कि आप संदेह करें, सो गॉड डेविल वॉन्ट्स यू टू डाउट गॉड। दूसरा शैतान चाहते कि आप डर जाए, सेकेंड डेविल वॉन्ट्स यू टू लिव इन फियर, डरेंगे वो मरेंगे, हेंस डू नॉट। 365 समय परमेश्वर के वचन में लिखा है, डर मत, 365 टाइम्स डर मत, गॉड टेल्स यू दैट डू नॉट फियर, विश्वास करो, हैव फेथ, विश्वास करो, हैव फेथ। प्रभु का जैसा अपोस्टल हमें हर वक्त सिखाते हैं, लाइक अपोस्टल ऑलवेज कीप्स ऑन टीचिंग अस, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, टू हैव फेथ ऑन गॉड, और मसीह जैसा विश्वास है, एंड हैव फेथ लाइक गॉड, मसीह के ऊपर विश्वास करना है, फेथ ऑन गॉड, और मसीह जैसा विश्वास है, फेथ लाइक गॉड। तीसरा शैतान चाहते हैं, थर्ड द डेविल वॉन्ट्स यू टू, आप असुरक्षित रहे, फील इनसिक्योर। हालेलुया, 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 कि आप अपने आप को बोले, दैट यू टेल योरसेल्फ, मैं किसका लायक नहीं, दैट आई एम गुड फॉर नथिंग, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, नोबडी लव्स मी, मेरा कोई नौकरी नहीं है, आई डोंट हैव अ जॉब, बहुत डिप्रेस्ड हूं, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, मुझे नींद नहीं आता, आई एम नॉट गेटिंग स्लीप, मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई, मैं सुसाइड करूंगा, आई विल कमिट सुसाइड, अगर रात को मुझे श्वास लेने की तकलीफ होगा, इफ आई हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, इफ देयर इज नो फॉर डॉक्टर, क्या होगा मेरा, व्हाट विल हैपन ऑफ मी। आप असुरक्षित हैं, यू आर इनसिक्योर, शैतान चाहते कि आप असुरक्षित रहे, द डेविल वॉन्ट्स यू टू बी इनसिक्योर। उसका तीसरा युक्ति है आपके विरुद्ध, दैट्स हिज थर्ड मोटो अगेंस्ट यू, परंतु रोमालिया 8:38 में लिखा है, रोमन्स 8:37 से हम जैवन से भी बढ़कर मोर देन अ कॉन्करर इन क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। इसे मसीह के जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, एक सुरक्षित जीवन, लाइफ ऑफ सिक्योरिटी, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कितने बातें हुए, हाउ मेनी थिंग्स, तीन चीज थ्री अभी तक हम पढ़ा कि जो शैतान चाहते हैं आपके जीवन, द डेविल वॉन्ट्स इन योर लाइफ, आपको संदेह करने के लिए वो मेक यू बस करते हैं, आपको डरा देते हैं, टू मेक यू लिव असुरक्षित, टू लिव इन फियर एंड टू मेक यू फील इनसिक्योर। हालेलुया, आप कलीसिया में जाते हैं, यू गो टू चर्च, और कोई बहन आपके ऊपर आपको देखकर हंसता नहीं है, सम सिस्टर इज नॉट लुकिंग एट यू एंड स्माइलिंग, आपका हाथ नहीं, डजंट कम एंड शेक योर हैंड, डजंट शेक योर हैंड, हाँ कुछ तो रहेगा उसके मन में, डाउट डाउटिंग दैट मुझसे विरोध करता है, अगेंस्ट मी, वैसे भी मैं भी उसे प्यार नहीं, आई विल ऑल्सो नॉट लव दैट सिस्टर, आपके अंदर बैर गुस्सा शैतान और कड़वा, स्टार्ट जनरेटिंग anger and क्या वो मेरा ड्रेस पसंद नहीं हुआ, that lady didn't like my dress, या मेरे चेहरा पसंद नहीं हुआ, that lady didn't like my face, सोच के हम निराश होते हैं, शैतान और दबा देते हैं, हाँ कोई आपसे प्यार नहीं कर, women meditating on those things you feel like he makes you so depressed that you feel like nobody loves, पर हमें क्या करना है, but what do we need to do, हमें असुरक्षित नहीं रहना है, we don't have to feel, हमें बोलना है, we have to tell, नहीं परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, God loves us, चाहे वो कुछ भी करे मैं उस बहन से प्यार करूं, नो मैटर व्हाट शी डज आई एम गोना लव हर, फिर आप शैतान के हाथ से बाहर आ जाओ, यू विल देन कम आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द डेविल। चौथा
चीज और शैतान आपके ऊपर वार करना चाहते हैं, आपको कलीसिया से अलग करना चाहते हैं, फॉर यू टू अवॉइड चर्च, और आपको वो लाइव प्रोग्राम जो फेसबुक में होते हैं बोला मत देखो, एंड स्टार्ट टेलिंग यू नॉट टू गो एंड वॉच, सब कुछ जानते हैं ये सब नहीं चाहिए आपको, यू नो एवरीथिंग, डोंट गो एंड वॉच, वो क्या सिखाएंगे आपको, वॉट विल द पास्ट, क्यों कलीसिया में जा रहे हैं, व्हाई टू गो टू चर्च, समझ जाओ, डोंट गो बैक होम, सिट एट होम, हां हालेलुया, क्योंकि देखो जब हिस्ट्री चैनल में ज्योग्राफी चैनल में हम देखते हैं, व्हेन वी सी इन द ज्योग्राफी चैनल, जब भूखे शेर, द हंग्री लायन, अगर किसी को शिकार करना है, हिरनी हिरन को शिकार करना है, टू ट्रैप अ डियर, वो देखते कौन सा दुर्बल हिरन है, He checks out to the, for the weakest deer. कौन सा हिरन अलग रहता है, for that deer who is separated, अलग रहता है, separated from the herd, वो झपट के उसे खा जाता है, jumps on it and eats it. Hallelujah. Hallelujah. उसी तरह शैतान चाहते हैं कि आप कलीसिया में ना रहे, so in the similar manner the devil doesn't want to अलग करता है, separate, गलत विचार डाल के आपको कलीसिया से अलग करता है, he puts in negative thoughts and separates और आपको वचन सुनने को नहीं देता है, लाइव प्रोग्राम में he doesn't let you listen to the live program, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड करो, पैसे सोचेगा आप है और फिर निकल जाओ, जस्ट कमेंट इन द फेसबुक वीडियो दैट प्रेज द लॉर्ड एंड देन जस्ट लीव, आप किसको धोखा दे रहे हैं, who are you fooling, आप खुद को धोखा दे रहे, you fooling yourself, या अगर वो सुबह का वचन आप सीखते थे, if you had listened to that word in the morning, आपके अंदर मजबूती आती थी, you would have विश्वास में बढ़ते थे, you would have built it up in faith, कभी असुरक्षित नहीं लगते, you wouldn't have felt insecure, hallelujah, hallelujah, praise the lord, praise the lord, इससे मसीह का जीवन संगति का जीवन है, hence the life in Christ is a life with company, हर दिन आप लाइव प्रोग्राम देखिए पूरा तरह से, एवरी डे लिसन टू द लाइव, अधूरा नहीं पूरा तरह से, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी एंड, कमेंट करते जाइए, कीप ऑन कमेंटिंग, ताकि आप उस लाइव प्रोग्राम में बने रह सकते, दैट यू कैन बी कनेक्टेड, बताओ पूरा दिन आप आशीषित रहे, लेट मी टेल यू विल बी ब्लेस्ड थ्रू आउट द डे, जब आज्ञा पालन करते वो आशीष का सोता आप बन जाते, वेन यू ओबे यू बिकम द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, हालेलुया, पांचवा शैतान चाहते कि आप हार जाए, फिफ्थ द डेविल वांट्स यू टू फेल, आपको थकान महसूस करने के लिए, फॉर यू टू फेंट, आप पूरी तरह से हार मानने के लिए, फॉर यू टू गिव अप, हालेलुया, हालेलुया, शैतान कभी नहीं चाहते आप जीते, द डेविल नेवर वांट्स यू टू विन, पर प्रभु का वचन कहते हैं कि प्रभु हमें जिताने के लिए बनाया है, द वर्ड ऑफ गॉड स्टेट्स दैट गॉड हैज मेड अस, हैज क्रिएटेड अस फॉर टू अस टू विन, एक यूहन्ना 4:4 में लिखा है, 1 John 4:4 states that ये बालको आप परमेश्वर की ओर से हैं, hey children you are from the Lord, इसे आप संसार में जय पाया है, hence you are victorious in this world, और आपके अंदर जो है who is in you संसार से वो बड़ा है, is greater than who is in the world, हालेलुया, संसार में क्या है, what is in the world, बहुत कोरोना वायरस है संसार में, कोरोना वायरस इज इन द वर्ल्ड, डर है, फियर इज इन द वर्ल्ड, देयर इज लैक इन द वर्ल्ड, शैतान है, देयर इज डेविल इन द वर्ल्ड, हालेलुया, हालेलुया, तो आपके अंदर कौन है, बट हु इज इन यू, ओ स्वर्ग और धरती का मालिक, पवित्र आत्मा, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, इसे जो आपके अंदर है, हेंस हु इज इन यू, संसार में जो है, व्हाट्स इन द वर्ल्ड, इसे बड़ा है, ग्रेटर, हालेलुया, एफिशियंस 2:6 में लिखा है, एफिशियंस 2:6 स्टेट्स दैट आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया, यू सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस, हाँ आप धरती में है, यस यू आर इन द वर्ल्ड, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आत्मिक रीति से स्वर्गीय स्थान में बिठाया, बट इन द स्पिरिचुअल रियल्म व्हाट टेल्स दैट He's made you seated in आप the heavenly ऊपर वाला है, you are from heaven, आप सुपर वाला है, you are super, ये जान लो आप ऊपर वाला है, you are from heaven, जब भी शैतान मेरे मन में आके बोलते हैं, whenever the devil puts in thoughts in your head, वो संसार के बातें मेरे पाँव तले है, बिकॉज द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड इज अंडर माय फीट, कोरोना वायरस मुझे छू नहीं सकता, कोरोना कैन नॉट टच मी, हालेलुया, कभी कभी मुझे छू नहीं सकता, द लैक कैन नॉट टच मी, मैं आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड, हालेलुया, हालेलुया, तो मसीह के जीवन, द लाइफ इन क्राइस्ट, आप ऊपर का जीवन है, इज अ लाइफ ऑफ अ लाइफ लाइक हेवन, हालेलुया, स्वर्गीय जीवन है, यह स्वर्गीय जीवन है, लाइफ लाइक लाइफ, मेरे साथ ये 5 वचन बोलिए, प्लीज रिपीट आफ्टर मी दिस, ताकि आप शैतान के ये क्या बोलते हैं बढ़ावे में और इससे, हाँ हाँ वांट टू गेट फसल मिस्की स्कीम, उसके शैतान के युक्ति में न पड़े, उसके चंगुल में न आए, सो दैट यू आर नॉट
तो हमने पांच बातें क्या सुना, संदेह, शैतान आपके अंदर संदेह देना चाहता है। फर्स्ट द डेविल वांट्स यू टू डाउट गॉड, डर लेके आना चाहता है। फॉर यू टू लिव इन फियर, आपको असुरक्षित करते हैं। फॉर यू टू बी इनसेक्योर, और चौथा आपको कलीसिया संगति से दूर करना चाहता है। फॉर यू टू अवॉइड चर्च, और पांचवा आपको हराने के लिए। फॉर यू टू फेवर्स करते हैं आपको कि फोर हाथ से मेरे साथ बोले, दोहराइए। पहला, फर्स्ट, मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, विश्वास का जीवन, इज अ लाइफ ऑफ फेथ। बोलिए, मसीह वाला जीवन, टेल आफ्टर मी, लाइफ विश्वास का जीवन, द लाइफ ऑफ फेथ। दूसरा, मसीह वाला जीवन, द लाइफ इन क्राइस्ट, निर्भय जीवन, इज अ लाइफ ऑफ डिलीवरेंस। मसीह में जीवन, सेकंड, लाइफ इन क्राइस्ट, निर्भय जीवन, इज अ लाइफ विदाउट फियर। तीसरा, मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, सुरक्षित जीवन, इज अ सिक्योर्ड लाइफ। मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, सुरक्षित जीवन, सिक्योर्ड लाइफ। चौथा, मसीह में जीवन, फोर्थ, लाइफ इन क्राइस्ट, संगति का जीवन, लाइफ ऑफ फेलोशिप। मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, संगति, लाइफ इन फेलोशिप जीवन। हालेलुया। पांचवा, फिफ्थ, मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, स्वर्गीय जीवन, हेवनली लाइफ। मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, स्वर्गीय जीवन, हेवनली लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा हमने कहा कि आपके मन एक युद्ध भूमि है, लाइक आई वाज सेइंग, योर माइंड इज अ बैटल फील्ड। शैतान भी चाहता है इस मन को, डेविल आल्सो वांट्स योर माइंड, और परमेश्वर भी चाहता है, गॉड वांट्स योर माइंड। जब शैतान बात करते आपको दोष देता है, व्हेन द डेविल टॉक्स, आपसे कुछ चोरी करने के लिए, स्टील समथिंग, आपके सेहत को चोरी, स्टील योर हेल्थ, आपके दौलत को चोरी, स्टील योर वेल्थ, आपके पारिवारिक जीवन को चोरी, योर फैमिली लाइफ, आपकी शांति को चोरी, स्टील योर पीस फ्रॉम यू, आपके उन्नति को चोरी करने, स्टील योर जॉय, आपके बच्चों को चोरी करने, स्टील योर चिल्ड्रन। जब यीशु मसीह हमसे बातचीत करता है, आपको सुकून देने के लिए, टू गिव यू, आपको चंगाई देने के लिए, गिव यू हीलिंग, आपको शांति देने के लिए, गिव यू पीस, आपको उन्नति देने के लिए, गिव यू प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल पहले, मेनी इयर्स बैक, शैतान मुझसे बातचीत करने लगा, द डेविल वाज टॉकिंग टू मी, डॉक्टर के द्वारा, थ्रू अ डॉक्टर, ये मर जाने That you're going to die. Hallelujah. और मैं कॉमा में चला गया, and I went to coma. पर यीशु मसीह उतर आया उस मौत के तहराई में, but in that valley of death, Jesus came to me. और परमेश्वर मुझसे कहने लगा, and started speaking, तू मरेगी नहीं, you're not going to die. जिंदा रहकर मेरे नाम को ऐलान करेगी, you're going to live and declare the works of God. और मैं शैतान के वचन को त्याग कर यीशु का वचन को ग्रहण किया, and I rejected the thoughts of the devil and started accepting Jesus. और तुरंत मैं जिंदा हो गया, and again I came back to life. दूसरा, एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, वंस गॉड टोल्ड मी, जब मैं रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, व्हेन आई वाज स्टेइंग इन रेलवे क्वार्टर्स, मैं तेरे लिए घर बांधूंगा, दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस। राजा के पुस्तक से परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, मैं तेरे लिए बांधूंगा, गॉड स्पोक टू मी, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस फॉर यू। और जब मेरा बैंक अकाउंट शून्य थे, व्हेन माय बैंक अकाउंट वाज जीरो, परमेश्वर ने मेरे एक अच्छा घर, गॉड तोहफा, वरदान की तरह मुझे दिया, गॉड गिव मी अ गुड हाउस एज अ गिफ्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मार्को 13:33 में लिखा है, मार्क 13:31 स्टेट्स दैट, कि परमेश्वर स्वर्ग और धरती टल सकता है, द हेवन एंड अर्थ कैन पास अवे, परमेश्वर का एक भी वचन, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट पास अवे। शैतान झूठा है, डेविल इज अ लायर। योना 8:44 में लिखा है, जॉन 8:44 स्टेट्स दैट, कि शैतान झूठा है, द डेविल इज अ लायर, झूठ का पिता है, डेविल इज द फादर ऑफ लायर्स। योना 14:6 में लिखा है, बट मसीह सच्चाई है, वो सत्य है, दैट जीसस इज द ट्रूथ एंड मार्ग, सत्य जीवन यीशु मसीह, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। हालेलुया। इसे आप प्रभु का वचन को ज्यादा ध्यान दीजिए, सो हेंस फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ये आपका आश्रय है, ही इज योर, इस पैंडेमिक में, ही इज योर शेल्टर, कोरोना वायरस इन दिस कोरोना वायरस, यीशु मसीह आपका सच्चाई का ढाल है, जीसस इज योर शील्ड ऑफ फेथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे सच्चाई को पकड़ो, हेल्ड ऑन, होल्ड ऑन टू द झूठ को त्याग करो, थ्रू दैट लाइज ऑफ द डेविल, वो न्यूज, वो इंटरनेट बंद करो, दैट इंटरनेट, दैट टीवी ऑफ इट, वो संसार के बातें, पड़ोस पड़ोस की बातों को बंद करो, द न्यूज इन योर नेबरहुड, स्टॉप इट, सिर्फ वचन में घुस जाओ, जस्ट गेट इनटू द प्रार्थना में, प्रे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम, बिकॉज गॉड इज केप्ट इन स्टोर, बिग थिंग्स, कमी कटी है, व्हेन द डेविल सेज दैट देयर इज अ, देयर इज लैक इन यू, आपको कहना है, नहीं, बदन से 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरम, मुझे कोई गति नहीं, यू शुड टेल दैट एज साम्स सेज दैट आई हैव नो लैक इन लाइफ, लॉर्ड इन क्राइस्ट, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शुड नॉट वांट। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होगा,
So what will happen? आप वो विश्वासी रहेंगे, कोई आपको हिला नहीं सकते, बुला नहीं सकते. You will be that believer that nobody can shake. दाऊद राजा कहता है. King says that. King David says that. मैंने परमेश्वर को आगे रखा है. That I have kept God in front of me. मैं हिलेंगी नहीं. I'll not be shaken. परमेश्वर वचन वचन से 125 एक में लिखा है 125:1. Psalms 125:1 says that कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, those who trust in the Lord, उस पर्वत सियोन के समान है, Mount Zion, वो कभी हिल नहीं सकता, that shall not be moved. क्या पर्वत सियोन के समान है? Like that mount? क्या आप हिलते हुए डाली के समान? Or are you like those branches that are moving about? Hallelujah. आप किसके ऊपर भरोसा रखेंगे? Who are you? आपके मन कौन कंट्रोल करते हैं? Who is controlling your mind? किसके काबू में है? Your mind is under whose control? आपके विचारधारा, your thoughts, आपके शब्द, your words, यदि वो परमेश्वर को निमंत्रण देता है, is it inviting God, या शैतान को निमंत्रण, is it inviting devil? Hallelujah, हमें क्या करना है? What should we do? हमें ऐसे वचन को बोलना है, tell such words, ऐसे शब्दों को बोलना है, tell such words, शैतान को भगाना है. We've got to drive away the devil. Hallelujah, हमको ये नहीं बोला, अरे मुझे श्वास का तकलीफ है, मुझे कोरोना वायरस हुआ. We should not go on saying that I've got trouble in breathing, I've got corona virus. अरे वो व्यक्ति मुझे छुआ, मेरे साथ काम किया, ऐसे मेरे को कोरोना वायरस हुआ. That person was working with me, he touched me, I've got corona virus. डरो मत. Don't fear. फिर मुझे एक ही चीज बोला, डरो मत. I just want to tell you one thing, don't fear. शैतान के झूठ को तोड़ दो. Break the lies of the devil. और प्रभु की सच्चाई को ग्रहण करो. Hold on to the truth of the विश्वास के डाल को लो. Take in the shield of faith. ताकि शैतान के सारे झूठ तीर को आप खलास कर सको. So that you can tear down all the lies and arrows of the devil. अभी हम ज़कारिया फिर से हम जाएंगे. Let's read into Zacharias again. 3:1-5. 3:1-5. क्या लिखा है वहाँ पर? What's written over there? Hallelujah. Hallelujah. फिर उसने यहोशुआ महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई. एंड ही शोड मी यहोशुआ द हाई प्रीस्ट स्टैंडिंग बिफोर द एंजल ऑफ लॉर्ड. और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसके विरोध करने का को खड़ा. एंड सैतान स्टैंडिंग एट हिज राइट हैंड. मैंने कहा जब हम कभी भी परमेश्वर के पास जाते हैं, उपस्थिति में जाता है, जैसे मैंने कहा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है लाइक आई टोल्ड यू व्हेन वी गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, एंड व्हेन वी डू द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, बहुत जलता है, द डेविल गुस्सा होता है, द डेविल इज वेरी एंग्री, और वो शुरुआत करते हैं आपको दोष देने के. एंड ही स्टार्ट्स अक्यूजिंग यू. हालेलुया, हालेलुया. एक बार मार्टिन लूथर किंग, वंस मार्टिन लूथर किंग वो प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, was praying to God, और शैतान वापस टपक गया. And there the devil arrives, और उसे सब दोष देने, and started accusing him, blaming him, उसके सारे पाप को विस्तार किया. The devil exposed his life in front of him, all his sins in front of him. और जब वो खत्म किया, when he stopped, मार्टिन लूथर किंग ने कहा, मार्टिन लूथर said that, अरे खत्म हो गया, और बोलो मेरे बारे में. That's it, that's all you got, go on telling about me. फिर वो बोला, फिर वो शैतान चुप हो गया. Then the devil kept quiet. और वहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ने लिखा, and there Martin Luther writes that यीशु मसीह का लहू मुझे पूरा साफ किया, that the blood of Jesus has made me clean. और उस शाय का जो पेन था कलाम, and the pen of that उस शैतान के ऊपर मारने की कोशिश, and he threw that pen on the face of the devil. वो दीवार के ऊपर लगकर उधर पूरा शाय का मार, but the ink splashed all over the wall and there were marks on the wall. अभी भी लोग जर्मनी में जाते हैं इस मार्टिन लूथर किंग के घर में, और वो दीवार अभी भी है. Now also that wall is there and many people go and see that wall. वो हर वक्त याद दिलाते कि यीशु का लहू हमारे सारे पाप को धो दिया. That reminds us that Jesus Christ's blood has washed all of us. शैतान हमें कुछ भी नहीं कर सकता. Devil can do nothing to us. Hallelujah. Hallelujah. पर हम देखते हैं कि पहले वाक्य में कैसा शैतान यहोशुआ महायाजक के विरुद्ध बातें करने लगा, दोष देने लगा. So we see over here that God, that the devil speaks to the high priest. एक बार विज्ञान लोग, साइंटिस्ट ने, once a scientist, तीन बंदर को एक पिंजरे में रखा, kept three monkeys in one cage, और ऊपर वो केला, अच्छे पीले केला को टंगा दिया, and they hung bananas on the top of the cage. देखो बंदर को किसके लिए बनाया है? What is a monkey made for? केला खाने के लिए. To eat banana. तो वो लोग बहुत उत्साहित हो गया. So they got excited, the monkeys, छलांग मारने लगा. And started jumping. और वो लेने के लिए. To take it. और जैसा वो छलांग मारा, as soon as the monkeys jumped, वो साइंटिस्ट ने
साइंटिस्ट उनके ऊपर बहुत पानी बरसाया. The scientists splashed water on those monkeys. पानी मारने लगा उनके and ऊपर. splashed a lot of water on the monkeys. कि वो ठंडे पानी और वो डरने लगा तीन बंदर. And the monkeys started trembling. वो नीचे आया. Those monkeys came down. ऊपर देखे संदेह किया डर गया अभी हमको नहीं मिलने वाला है. And the monkeys came down and sat down sad saying that now you know how to get the banana. हर वक्त वो प्रयास किया. Every time the monkeys tried. ठंडे पानी उनके ऊपर मारा. Cold water was splashed over them. तो इससे उनका पूरा आशा Hence, all of their faith, सपना, their dreams, दर्शन, their vision, बुझ गया. It got extinguished. और एक दिन उस साइंटिस्ट ने एक नया बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया. And the scientist put a new monkey inside the cage. और उनके ऊपर कुछ ठंडा पानी नहीं डाला. And didn't put any water on that. और ये बंदर को कुछ जाना कुछ बातें नहीं जाना कि वो लोग ऐसा पानी से मार. And the new monkey didn't know what all torture was happening to this old one. उसने भी जब वो केला को देखा तो उसने चरांग मारा. So similarly, when he saw the banana, he started jumping. और ये तीन बंदर उसको पकड़कर उसको खींच दिया. And those three monkeys pulled that new monkey down. उसको मारने लगा. And started hitting him. ये दर्शाते हुए. Telling us this. अगर हम नहीं जीत सकते, आप कैसा जीत सकते? Telling this that if we can't win, why how will we let you win? ऐसा है संसार के लोग. Such are the world. ऐसे है दुष्ट आत्मा का सार. Such are the things of the world. आपको किसके लिए सजाया गया? What are you created for? जीतने के लिए. To win. आशीष पाने के लिए. To be blessed. स्वर्गाय में रहने के लिए. To be living life. अच्छे नौकरी पाने के लिए. To promotion मिलने के लिए. Good job. To have promotion. और शैतान ने आपके मन में क्या डाला? But what did the devil put in your mind? ठंडे पानी झूठ बोलकर. Putting in lies, he put cold water. ठंडे पानी के समान. Like cold water. आपके दर्शन को बुझा दिया. He tried to आपके सपनों को तोड़ दिया. Extinguish your dreams, your calling, your mom. आप बोलते अभी मैं वो चंगाई पा नहीं सकता. And now you're saying that I can't find get that feeling. मैं वो आशीष पा नहीं सकता. I can't find that feeling. मेरे हाथ में पैसा कभी नहीं आ सकता. I will never have money. सब कुछ खो रहा है. I've lost everything in life. पर विश्वास रखो. But have faith. वचन को बोलो. But believe on that word. और प्रभु आपको देंगे. And God will give you. हालेलुया. हालेलुया. एक बार आपको मालूम है सर्कस में जो हाथी है बड़े बड़े हाथी. डू यू नो द बिग एलिफेंट्स. वो लोग छोटा एक धागा से बांधा जाते एक लकड़ी के साथ. एंड दे टाइड विद बिग रो. हल्का सा रस्सी. वेरी लूज रो. वो बड़ा हाथी एक मिनट में उसको तोड़ के भाग सकते. जैसे मैंने बता रहा था हाथी के बारे में. लाइक आई वाज सेइंग अबाउट द एलिफेंट. छोटा सा धागा उसको बना के रखा है. दे टाई दैट एलिफेंट विद अ वेरी लाइट रोप. जैसा मैंने बोला वो तोड़ के वो भाग सकता है. ही कैन गेट ब्रेक इट एंड रन. पर क्या होता है वहां पर? बट व्हाट हैपेंस देयर. वो तोड़ता नहीं वहां ही वो घूमते. बट ही डजंट ब्रेक दैट रोप. ऐसे कैसा हुआ? गो राउंड अराउंड दोस रोप. क्योंकि वो सर्कस वाले वो क्या करते हैं उनको वो हाथी को. You know what the circus people do to that elephant? जब वो छोटा बच्चा था. When that elephant was a kid. उनके बहुत मजबूत रस्सी से उसे बांध के रखता है. They tied that kid with a very strong rope. जितना भी वो कोशिश करते बाहर जाने की वो नहीं होता. The kid, the elephant, baby elephant tries to escape, but he is not able to break free from that rope. हालेलुया. तो हाथी सोचते हैं अभी मेरे से कुछ कभी भी इस तरह से भाग नहीं सकता. And then the elephant thinks to himself, I can never. उसके मन को वो लोग पूरा तरह से कंडीशन कर दिया. दे हैव कंडीशनड हिज हेड. इससे जब वो बड़ा होता है. हेंस व्हेन द एलिफेंट ग्रोज अप. हल्का सा रस्सी उसको इवन द लाइटेस्ट दे टाइम विद अ वेरी थिन एंड लाइट. वो हाथी कभी नहीं भागता. दैट एलिफेंट कैन नेवर एस्केप. वैसे ही शैतान बहुत सारे लोग को मन को बांध के रखा है. हेंस इवन द डेविल हैज बाइंडेड अप. उसके झूठ के रस्सी से आपको बांध के रखा है. द डेविल हैज बाइंडेड मेनी ऑफ अस विद द लाइज ऑफ द रोड. रहा है your mind is teaching you, troubling you. कहते हुए आप बीमार है. Saying that you're sick. हर दिन आप सोचते आज मुझे कोरोना वायरस होगा. Every day you think that आज मुझे कोरोना वायरस होगा. That today you आज मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना है. That today you will be admitted to the hospital. शैतान भगाने के वजह पर जो आपको शैतान भगा रहा है. Instead of you making the devil flee, devil is making you flee. हालेलुया. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महायाजक यहोशुआ के विरुद्ध शैतान दाहिनी हाथ में रहकर उसका विरोध करते हैं. So we see over here, being at the right hand of Joshua, devil is trying to resist and accuse him. यहाँ पर हम देखते हैं कचेरी के एक सीन है. So we see that there's a scene of a court. हम देखते हैं
देखते हैं कि न्यायाधीश परमेश्वर उधर बैठा है, द जज गॉड इज सिटिंग ओवर देयर, और दोष देने वाला दाहिने हाथ में बैठा है, द अक्यूजर सिटिंग एट द राइट साइड है, स्टैंडिंग ओवर देयर, जो मुजरिम है वो बीच में है, द विक्टिम इज स्टैंडिंग इन द सेंटर, और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बाजू में खड़ा है, एंड जीसस क्राइस्ट सिटिंग एट द राइट साइड ऑफ अस, कहते हुए शैतान मैं तुझे गुड़गाता हूँ, सेइंग दैट डेविल आई कंडेम यू, पढ़ेंगे जकारिया 3:2, सो लेट्स रीड जकारिया 3:2, तब यहोवा ने शैतान से कहा, देन द लॉर्ड सेड टू द डेविल, ए शैतान, हे डेविल, ओ सैतान, यहोवा तुझको गुड़के, द लॉर्ड हैड चोजन जेरूसलेम एंड रिब्यूक दी, गुड आपको गुड़के, और यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, एंड द लॉर्ड हैड चोजन जेरूसलेम, वही तुझे गुड़के, जेरूसलेम रिब्यूक दी, क्या यह आग से निकाली हुई लकड़ी सी नहीं है, इज नॉट दिस अ ब्रांड प्लक्ड आउट ऑफ फायर, हालेलुया, तो क्या होता है, यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, जीसस इज आवर एडवोकेट, शैतान दोष देने वाला, द डेविल इज आवर एक्यूजर, दिन रात आपको दोष देता है, डे एंड नाइट ही अक्यूज अस, चोरी करता है, स्टील्स फ्रॉम अस, आपको घात करता है, ही किल्स अस, आपको नाश करता है, ही डिस्ट्रॉयज अस, और एक तरफ यीशु मसीह, एंड ऑन द अदर साइड जीसस क्राइस्ट, एक यूनान 2:1 में लिखा है, 1 John 1:2, यीसु मसीह हमारा वकील है, दैट जीसस इज आवर लॉयर, एडवोकेट, वो हमारे लिए बोलता है, ही स्पीक्स फॉर अस, अच्छे वार्तालाप होते हैं, गुड थिंग्स फॉर अस, हालेलुया, उसके लहू हमें धोके शुद्ध करता है, हिज ब्लड वॉशेस अस क्लीन, यीशु मसीह हमारे लिए चंगाई बोलता है, जीसस क्लेम्स हीलिंग ओवर अस, हालेलुया, इब्रानियों 12:24 में लिखा है, हिब्रू 11:12-24 सेज दैट यीशु मसीह का लहू बोलता है, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट स्पीक्स, अच्छे बोलता है, गुड स्पीक्स, और शैतान को गुटखाता है, इट रिब्यूक्स द डेविल, हालेलुया, इसे जब भी शैतान आपके अंदर दोष देता है, whenever the devil accuses you, आपको नीचे गिराता है, pulls you down, रुलाता है, makes you cry, सताता है, makes you oppresses you, आपको क्या करना है, what are you going to do, आप यीशु मसीह को दुआई कीजिए, cry out to God, और यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, and God will stand next to you, शैतान को खत्म कर, and kill the devil, क्योंकि वो हमारा कैप्टन है, because God is our captain, hallelujah, hallelujah, हम पढ़ेंगे अभी जकरिया 3, So let's read Zechariah 3. और एक और चीज वापर लिखा है कि ये वापर वचन लिखा है कि ये आग से निकले हुए लुकड़ी सी नहीं है. And it's written over there, it's just not a brand plucked out from fire. Hallelujah. हम सब नर की आग में चला जाने वाला था. Every one of us were supposed to go to hell. यीशु मसीह ने हमें उस आग से बचाया. But God Jesus saved us from the hell. परमेश्वर पिता का उनसे मेल मिलाप किया, and made us come reconciled back to our father, और उसका बेटा और बेटी बनाया, and made us his sons and daughters. Hallelujah. Hallelujah. Okay, 3-5 पढ़ेंगे. Let's Zechariah 3:3-5. Let's read Zechariah 3:3-5. उस समय, got it? Now, यशुआ तो दूत के सामने was and stood before the angel, मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था, with filthy garments. Hallelujah. Hallelujah. मैं यशुआ वापर जो महायाजक थे वो मैले वस्त्र पहना था, and the high priest standing over there was wearing filthy garments. वो मैले के मतलब यहाँ पर हिब्रू शब्द है, the Hebrew word for filthy is tatti, shit. Hallelujah. वापर लिखा है कि यशुआ पूरा से तट्टी से भरा हुआ था, Joshua was completely soaked with shit. Yes. Hallelujah. और वो वहाँ पर बदबू होकर खड़ा है, he's standing there all smelly. Hallelujah. सोचो आप पाव कोई तट्टी के ऊपर पाव डाले तो कितना बदबू आता है. Just imagine you've set your foot on shit. और मेरे कपड़े ये भी दर्शाता है, filthy garments also states that. यशा 54, Isaiah 64, यशा 64 में ऐसा लिखा है, Isaiah 64 states that, कि हमारा अच्छे काम, that are good works, एक मेरे कपड़े के समान, चिते के समान है, is like those filthy garments. Hallelujah. हम जितना भी अच्छा काम करें वो गंदगी है प्रभु के सामने. How much ever we try to do good, it's like filth garment. Hallelujah. तो हमारे गंदगी से हम गंदगी को नहीं धो सकता. We can't clean our dirtiness with
हालेलुया। तो हमारे अच्छे काम नहीं पर यीशु मसीह का जो क्रूस में जो बलिदान किया, नॉट आवर गुड वर्क्स बट द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, ओनली द ब्लड ऑफ जीसस शैतान के सारे दोष सारे पाप से हमें बचाकर कैन सेव अस फ्रॉम द सिन एंड फ्रॉम द होल्ड ऑफ द डेविल, हमें शुद्ध कर सकता है एंड मेक अस क्लीन। अभी चौथा वाक्य में जाएंगे, लेट्स गो टू द फोर्थ वर्स। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, And he answered and spoke unto those, इसके ये मैले वस्त्र उठारो, take away the filthy garments from him। फिर उसने उससे कहा, And unto him he said, देखो मैंने तेरा अधर्म दूर किया, Behold, I have caused thy iniquity, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना, And clothed you with the change of raiment। Hallelujah, Hallelujah, Praise the Lord, Praise the Lord। यीशु मसीह आपके अपने लहू से क्या किया हमें? And what did Jesus do with his blood? हमें पवित्र किया, मेड अस न्यू। उतना ही नहीं प्रभु, हमें सारे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाया, एंड मेड अस वेयर गुड गारमेंट्स। कभी हम अच्छे अच्छे आशीष से पा सकता है? When can we find get blessings? जब हम प्रभु के अनुग्रह पाते हैं, When we find the grace of God, जब हमारे मन नया होता है, When we renew our mind। पांचवा वचन वाक्य में जाएंगे, What the verse 5 states here? तब मैंने कहा, Then I said, इसके सिर पर That let them set a fair mitre upon his head. पकड़ी रखी जाए, fair mitre upon his turban, और उन्होंने, and then they, उसके सिर पर set a fair turban upon his head, याजक के योग्य शुद्ध पकड़ी रखी, kept upon his head, और उसको वस्त्र पहनाया, and clothed him with garments। उस समय युवक का दूत पास खड़ा रहा, and the angel of the Lord stood by। Hallelujah, Hallelujah, Praise the Lord, Praise the Lord। तो वो वापस लिखे शुद्ध पकड़ी, पकड़ी, there it says that fair turban। वो महायजक का एक पोशक था, it's one of the part of his garment। Hallelujah। जब हमें वो मिल, हमें आशीष नहीं मिल सकते जब तक हमारे मन अशुद्ध है। We cannot receive the blessing till our minds are unclean। अगर शैतान हमारे मन को पकड़ा हुआ है, If the devil has got hold of और अशुद्ध किया है, made it dirty, और उस बंदर और हाथी के तरह, like those monkey and that elephant, हमें सुना, what the story we हमारे heard, मन को पकड़ रखा है, held our mind, हम आशीष कैसे पाएंगे? How we going to find the blessing? हम सोचेंगे हम इसे बनाया गया हमको बीमार होने के लिए, कंगाल होने के लिए, यही हमारा सोच रहेगा। We'll be thinking that we are being born and created to be poor। हमारा सोच घटिया होगा। Our thoughts will be filthy। Hallelujah। परंतु मैं आज प्रभु में दो हथियार देता है। God is giving us two weapons today। एक है power words and power thoughts। One is सामर्थ्य। पहला है power विचार, power words, और power वचन बोलना, power thoughts। प्रभु चाहते कि हाथ से हम ये दो हथियार, and God wants us to use these two weapons, Hallelujah, from now onwards, Praise the Lord, Hallelujah, Amen, Amen। हमने मन को नया करना है, renew our mind, Hallelujah। क्या आपके आपने शुद्ध पगड़ी पहना है? So are you wearing the white turban? इसका मतलब आपके ऊपर power words, आप power सोच है। Hence that indicates that you have a powerful thinking। मुझे एक कहानी बोलना है, बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिए। I want to tell you a story, listen to it very carefully। एक मासी, one day, one aunt, हर वक्त परेशान रहते हैं। She used to be worried all the time। उसके भतीजा जब भी उसके घर में आते थे, whenever her nephew would come to her house, हर वक्त बोले अरे मैं बहुत परेशान हूँ। She used to keep on telling that I'm so worried। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, like this happened, like that happened। और वो बोला कि देखो पड़ोस पे ऐसा ऐसा चीज होने लगा। The aunt went on going on telling that this is happening in the neighborhood। Hallelujah। वो परेशान थे। She used to be very worried। पर एक दिन जब भतीजा आया, one day when the nephew came to उसे देखा कि मासी बहुत खुश है आज। He noticed that his aunt is very happy। तो क्या हुआ? So what happened? मासी क्या हुआ आज बहुत खुश है आप? So she went and asked her, aunt is very happy, बहुत खुश होने वाला है। The aunt went and told him that I'm going to be very happy from now onwards। क्योंकि मैंने एक सपना देखा। I've seen a dream today। और सपने में मैंने देखा शैतान उधर खड़ा है। I saw the devil in my dream। और उसके सामने एक बड़ा कतार है। And in front of him there was a big line। और उस कतार में मैं भी खड़े थे। And in that line even I was standing। और एक तरफ यीशु मसीह खड़ा था। And on one side was Jesus standing। वो सब कुछ देख रहा था। He was seeing everything। और जब वो कतार पर वो व्यक्ति एक एक व्यक्ति शैतान के सामने गए,
एंड व्हेन वन पर्सन वेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड शैतान एक बड़ा काला द डेविल पोटला उनके सर पे द डेविल पुट ऑन देम अ बर्डन ऑफ ब्लैक और हर एक व्यक्ति रो रो कर झुक कर वो बड़ा बोझ लेके जा रहा एवरी मैन इन दैट लाइन वाज टेकिंग दैट बर्डन ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग अवे क्राइंग crying and wailing and walking away. Hallelujah. Tabhi is maasi ka bhi samay aa gaya. Even then the time comes of this aunt. Aur sansar ke jaisa wo bhi jhuk kar wo kala potla le. Like the world, even she bends down and takes the burden from the devil. Aur rone lagta hai, jhuk jhuk ke bodh se chalta hai. And she starts crying and bends down and starts walking away. Aur Yeshu Masih ke paas aati hai. And goes to God. Aur Yeshu Masih usse kehti hai. And Jesus stays to Jesus. Beti. Jesus says to her, हाँ बेटी daughter, क्या मैंने आपको ये बोझ दिया है? I give you this burden? बिल्कुल नहीं. She replied, not at all. वो शैतान ने दिया. That's the devil who has given me. क्या मैंने आपको कहा शैतान से लेने के लिए? So did I tell you to go and take it from the devil? बिल्कुल नहीं. Not at all. फिर आपने क्यों लिया? Why have you taken it? सब लोग कतार में खड़ा था, मैं भी खड़ा रहा. Aunt was like, everyone is standing in the line. सब के ऊपर बोझ थे, मैं भी वो बोझ लिया. Everyone was carrying that burden, even I. I was carrying that. मेरा वचन क्या कहता है यीशु मसीह का? Jesus replied, told her, what is written in my word? कि तेरे सारे चिंता मेरे ऊपर डाल. That put all your burdens, cast your burdens unto him. मैं चिंता देने के लिए नहीं आया, चिंता लेने के लिए आया. I have not come to give you tension. I have come here to take your tension. शैतान आपको चिंता देता है. The devil gives you tension. और वो बोला, आपके पूरा पोटली मेरे सामने रखो. Give in the whole burden in front of me. चाहिए शांति से एंड गो इन पीस एंड एंजॉय और बहुत ही खुशी खुशी उसके पाँव तले रखकर वो नाच के and the aunt becomes she is happy and she throws her burden in the feet of God and is happy. उसके बाद वो मासी हर वक्त हंसते और and after that point onwards the aunt is always happy. परमेश्वर आपके मन को नया किया है. Hence all in a similar manner even God has संसार की तरह वो गतिया फटीचर मन लेकिन चलने के लिए नहीं नहीं चाहिए. Now like the world, God doesn't want you to carry that burden and walk. इसे आपके मन को नया कर. Hence keep renewing your mind. प्रभु के वचन को भरो. Fill your mind with the word of God. सामर्थ्य विचार. सामर्थ्य विचार. The powerful thinking. मनन करो वचन. Meditate on the powerful thinking day and night. सामर्थ्य वचन को बोलो. पावरफुल थॉट. जब आप घर पे बैठता है व्हेन यू आर एट फोन में है व्हेन यू आर ऑन फोन वचन को बोलो. कीप मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड. कोई भी हानि मेरे देर के निकट आ ही नहीं सकता. नथिंग ऑफ नो हार्म. मैं मरूंगा नहीं. आई विल नॉट डाई. एक दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा. वन डे आई विल स्पेंड इन द हॉस्पिटल. मैं जवान हूं. आई एम हेल्दी. नौकरी मिला. आप व्हाट अ जॉब. आशीषित हूं. आई एम ब्लेस्ड. मैं झूमेंगे, नाचेंगे, आनंद मनाएंगे. आई एम हैप्पी. आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम. आज का दिन टुडेज डे यीशु ने बनाया मेरे लिए. Jesus is made for me. मैं उस पर आनंदित रहूंगी. आई विल बी हैप्पी. हालेलुया. प्रभु ने हम सबके मन के ऊपर सर पे ऊपर एवरी वन गॉड हैज पुट इन योशुआ महायाजक के ऊपर लाइक शुद्ध पगड़ी डाला था. लाइक गॉड पुट व्हाइट टर्बन ऑन द हेड ऑफ जोशुआ. वैसे आपके मन में भी परमेश्वर सब पे शुद्ध पगड़ी पहनाए. In the similar manner, God has put a holy white turban on our heads. अपने मन को समर्पित कीजिए. Let's surrender our minds. आज उस मन घटिया मन को प्रभु. God is going to remove that filthy mind. एक शुद्ध मन आपको दे रहा है. Giving you a clean mind. सामर्थ्य विचार दे रहा है. A powerful mind. एक सामर्थ्य शब्द आपके मन में दे रहा है. A powerful thought on your mind. और शैतान भाग रहा है आपसे. And the devil is fleeing away. आप कोई समान नहीं देगा. You're not going to be the same. आप पूरा से जीता हुआ है. You are victorious in Christ. आप सजाया गया है जीतने के लिए. You have been created. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Prabhu is watching us. सब पाश. May God bless you. Praise the Lord. Pastor Selin के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे. प्रभु उन्हें आशीष करे. आमेन. आपका मन इम्पोर्टेंट है. Your mind is very important. आप क्या फीड करते हैं? What are you feeding them? भलाई के लिए. और सबसे बड़ी बात हमारे लिए यीशु मसीह. अब ऑल वी हैव जीसस क्राइस्ट. उसने हमारी मन को नया किया. He has made our mind new. हमारे मन को वो भरा है. He has filled our mind. पॉजिटिव थिंग्स विद अस. अच्छी बातें, अच्छी सोच से, with good thoughts, अच्छे विचार से, with good flow, पावरफुल थॉट्स से, power thoughts, पावरफुल बोली से, power words. जब हम ये करेंगे, when we do it, शैतान हमारी दिमाग को नहीं, शैतान हमें पाँव को चाटेंगे, दूलों को चाटेंगे. Satan will not rule over our mind, but it'll be under our feet. हाँ ये प्रार्थना. Shall we pray? अपने आप को समर्पण करें. Please surrender your life to सुना वचन के सामने. Let's humble ourselves before the Lord. अद्भुत तौर से
प्रभु हमें पगड़ी बनाए, पवित्र पगड़ी पहना, हमारे ऊपर वो सोच में हम प्रवेश करें। इट्स अप टू अस व्हिच वर्ड थॉट्स आर एंटरिंग इनटू। दो पल हम प्रभु की आराधना करें, शायद वी वर्शिप गॉड, वो आराधना के योग्य है। ही इज वर्दी ऑफ वर्शिप। थैंक यू जीसस। पन हमारी रखने वाले पावन आत्मा, आते अपनी रात दिन हमको तू चला। मन हमारे रखने वाले पावन आत्मा, आपे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न बोलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आमेन। हालेलुया। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते। आप नहीं जानते कौन है यीशु मसीह, और ये प्रार्थना मेरे पीछे आज बोले, आज आपका प्रभु यीशु हो जाए। मेरे साथ आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए, आप बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। यीशु ही मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जी। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण। आमेन, आमेन। कितने लोगों को अच्छा लगा वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा हम प्रभु की महिमा। कितने लोग निराशा में हैं? Are you depressed today? God is showing me that. पास्टर सेली हमें प्रार्थना, हाँ, अनेक लोगों को निराशा में दिख रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे। Yes. Hallelujah. Yeah. I want you to place your hands on your head. मैं चाहता हूँ कि आप अपने सिर पर हाथ रखें। Because his mind is a very important asset. आपका मन बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो प्रभु आपको दिया। Let's take away all the dirty thoughts of the demons. पूरा बुराई विचार को, बीमारी का विचार, anger thoughts, गुस्सा का विचार, पॉवर्टी थॉट्स, गरीबी की विचार, ऑल द फर्टीचर, ऑल द बैड फिल्थी थॉट्स, उन फिल्थी, उन बुरे विचारों को हम निकाल दें, टेक इट एंड थ्रो इट, उखाड़ कर हम फेंक दें। डोंट वांट डेमोनिक थॉट्स, शत्रु शैतान की कोई चिंता नहीं, माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें परमेश्वर यीशु मसीह का मन है। हालेलुया। सो वी विल टेक द क्लीन टर्बन दैट जीसस वांट्स टू पुट ऑन योर हेड टुडे। यीशु मसीह आपको नया पगड़ी दिया, उसे हम पहनेंगे। शैल यू प्रे विद मी? आइए मेरे साथ प्रार्थना। इफ यू आर डिप्रेस्ड, अगर आप निराश, एंग्जियस, आप चिंतित है, डरा हुआ है, डाउटफुल, शक है, इफ यू आर इनसिक्योर, अब अगर सिक्योर्ड नहीं है, सो गॉन अवे फ्रॉम गॉड्स फेलोशिप, परमेश्वर से आप दूर चला गए, लेट अस प्रे टुडे, पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड, अपने सर पर हाथ, समथिंग इज गोइंग टू हैपन टुडे, कुछ आज होने वाला है। हालेलुया। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद, से विद मी, मेरे साथ बोलिए, हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, आई कम टू यू, मैं आपके पास आता हूं, लॉर्ड आई रिजेक्ट, मैं उन सारी बातों को नकार, शैतान की झूठों, एवरी डाउट ऑफ सैतान, शैतान की शक को, एवरी फियर स्पिरिट, हर डर की आत्मा, एवरी इनसिक्योरिटी, और जो भी सिक्योरिटी ना होने वजह,
असुरक्षित एवरी इविल स्पिरिट आई कमांड टू लीव माय हेड राइट नाउ आज दुष्ट आत्मा मेरे सिर को छोड़ दे गेट ऑफ माय माइंड मेरे मन से निकल जा नो पावर ऑफ माय माइंड तू हमारे सर पे कोई सामर्थ नहीं यू अंडर माय फीट तू हमारे पैर के नीचे आर द माइंड ऑफ क्राइस्ट मेरे पास प्रभु यीशु का मन है आई नो एंड आई बिलीव मैं जानता हूँ मैं विश्वास करता हूँ और मैं चिंता करता हूँ सामर्थ वाला चिंता पावर थॉट्स सामर्थ वाला सोच पावर वर्ड्स सामर्थ वाला बोली ऑन वर्ड्स आई विल स्पीक पावर वर्ड्स मैं सामर्थ वाला बोली आई विल स्पीक अबाउट डिवाइन हेल्थ मैं स्वर्गीय तंदुरुस्ती के बारे में क्रिएटेड फॉर डिवाइन हेल्थ मैं उस स्वर्गीय चंगाई के लिए बनाया आई एम क्रिएटेड फॉर राइटियसनेस मैं नीतिमत्ता के लिए बनाया गया आई एम क्रिएटेड फॉर प्रॉस्पेरिटी मैं बढ़ोतरी के लिए बनाया गया आई एम क्रिएटेड फॉर विक्ट्री मैं बढ़ोतरी के लिए बनाया गया द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ प्रभु की आनंद मेरी ताकत आई एम द हेड नॉट द टेल मैं सिर और पूंछ नहीं आई एम द टॉप नॉट द बॉटम मैं ऊंचा और नीचा नहीं आई एम अ लेंडर नॉट अ बोरोअर मैं देने वाला हूँ लेने वाला नहीं आई एम ब्लेस्ड मैं आशीषित नो कर्स कैन कम अपॉन मी कोई श्राप मुझे छू नो विचक्राफ्ट कैन कम अपॉन मी जो जादू टोना मुझे छू नहीं सकता आई एम ब्लेस्ड मैं आशीषित आई एम सिक्योर मैं आशीषित आई एम सिक्योर इन क्राइस्ट मैं सुरक्षित हूँ थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु लाइफ इन क्राइस्ट इज अ विनिंग लाइफ आ मसीह यीशु में जयवंत जीवन है थैंक यू जीसस धन्यवाद आई सरेंडर एवरीथिंग टू हिम सब कुछ तेरे हाथ में टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ईट द फ्रूट ऑफ माय वर्ड्स मेरे शब्दों के फलों को मैं खाऊंगा आई विल बी ब्लेस्ड एंड हील्ड ऑलवेज मैं आशीषित और चंगाई रहूंगा थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु इन जीसस नेम आई प्रे यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमेन 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 पिता परमेश्वर का प्रेम द लव ऑफ गॉड यीशु मसीह की अनुग्रह पवित्र आत्मा की फेलोशिप द होली हम सब के साथ यीशु की बादलों में आने बने रहे और सब ने कहा आमेन 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 बोलो बोलो यीशु मसीह की जय 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 प्रभु आप सबको आशीष गॉड ब्लेस यू